अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो मेडिकल है वो है 7.11। तो इसको अब हम देखते हैं, हम क्या कह रहे हैं इसके अंदर। द डायमीटर ऑफ द पिस्टन ऑफ ए हाइड्रोलिक प्रेस, एक हाइड्रोलिक प्रेस है, ये पास्कल लॉ के अंदर हमने इसको डिस्कस किया, तो उसकी एक एप्लीकेशन है हाइड्रोलिक प्रेस सिस्टम जो हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ के अंदर। द डायमीटर ऑफ द पिस्टन ऑफ द हाइड्रोलिक प्रेस इज 30 सेंटीमीटर, उसका डायमीटर कितना होगा 30 सेंटीमीटर। हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ कार, हमने एक कार को उठाना है, ठीक है, तो उसके लिए जो कार का जो वेट है वो हमारे पास कितना है 20,000 न्यूटन। तो कह रहे हैं जो साइड में फोर्स लगानी है उस साइड का जो पंप है हमारे पास जो उसका जो डायमीटर है वो हमारे पास वो कितना है वो 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है कि अब हमने इसके फाइंड करना है कि हम कितने फोर्स लगाएंगे कि जिसके साथ हमारे जो वो कार है वो हमारे पास वो ऊपर लिफ्ट हो जाए। तो हमारे पास जो है वो डायमीटर जो है वो हमारे पास है इसके अंदर 30 सेंटीमीटर। तो इसका जो है जो दो साइज होता है, एक बड़ा साइज होता है, एक स्मॉलर मीडियम साइज, एक स्मॉलर साइज होता है। जो बड़ा साइज होता है जिसके ऊपर हम कार वगैरह को जो कोई भी हैवी व्हीकल को किसी हैवी ऑब्जेक्ट उसके ऊपर करते हैं उसके ऊपर लिफ्ट करते हैं, और जो स्मॉलर साइज होता है जो पंप वाली साइड होती है उसके ऊपर हम उसको फोर्स लगाते हैं उसके ऊपर लिफ्ट करने के लिए। तो डायमीटर जो है हमारे पास वो 30 सेंटीमीटर है जो बिगर साइज है। तो इसका जो हमारे पास होगा रेडियस, वो रेडियस होगा, ये डायमीटर हाफ होता है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 15 सेंटीमीटर। इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.15 मीटर। तो इसका जो हमारे पास एरिया आएगा कैपिटल ए में उसको रिज्यूम कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आएगा 2πr², ठीक है। जो कोई भी एक जो सर्कल होता है हमारे पास उसका जो हमारे पास एरिया होता है फार्मूला जो 2πr² होता है, 2 × 3.14 × r की वैल्यू कितनी हमारे पास 0.15। तो अब इसको हमारे पास क्या आ जाएगा स्केयर आ जाएगा। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी 0.14 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया इसका एरिया। अब हमने क्या करना है, अब हम इसे वेट जो है हमारे पास देखते हैं हमारे पास कार का कितना है W, ये हमारे पास कितना है 20,000। और हमें एक चीज़ का पता है कि जो हमारे पास W होता है ये किसके बराबर होता है, ये F के बराबर है, F = W। तो जो हमारे पास कितना है इसको हम कह देते हैं F2। तो अब जो हमारे पास स्मॉलर पिस्टन है जो छोटे वाले साइज है पंप वाली साइड है जिसके ऊपर हम इसके फोर्स लगानी है, तो वहाँ पर जो हमारे पास जो डायमीटर है इसको हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, वो हमारे पास 3 सेंटीमीटर है। तो इसका जो रेडियस होगा उसको हम फाइंड करेंगे 2 पर डिवाइड कर लेंगे, तो ये हमारे पास क्या आएगा 0.015। तो 0.015 ये हमारे पास आ जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। जब हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 0.015 मीटर का स्क्वायर। तो अब इसका भी हम इस वाले हिस्से का हम एरिया फाइंड कर लेंगे, तो इसको स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, स्मॉल ए साइज है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2πr² फार्मूला 2 × 3.14 × 0.015 का होल स्क्वायर आएगा हमारे पास। इसका जो हमारे पास एरिया आएगा वो हमारे पास आएगा 1.1413 × 10³ मीटर स्क्वायर, ये हमारे पास क्या आ गया इसका एरिया आ गया। तो अब हमारे पास इसका जो फार्मूला है हमारे पास क्या होता है F1/A = F2 / A, तो अब हमने F1 इसके अंदर फाइंड करनी है, तो हमारे पास क्या जाएगा F2/A, एरिया जो डिवाइड हो रहा है तो ये जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये एरिया आ गया हमारे पास। तो अब F2 कितनी थी हमारे पास वो 20,000, और जो इसका हमारे पास एरिया गिवन था हमारे पास वो कितना था हमारे पास 0.1413 × स्मॉलर एरिया था जो हमने निकाला वाला
13 10^3। तो अब हम इस सारे कैलकुलेशन को करेंगे तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो हमारे पास क्या आएगा 200 न्यूटन। तो यानी कि हमें क्या होगी 200 न्यूटन की फोर्स चाहिए होगी किसको, 20,000 न्यूटन की जो हमारे पास में कार उसका वेट होगा उसको लिफ्ट करने के लिए। तो उम्मीद है कि बेटा आपको हमारे आज के जो इस न्यूमेरिकल्स की समझ आई होगी। किसी किसी भी किस्म की कोई क्वेरी हो तो आप लोग जो है उनसे डिस्कस कर सकते हैं।